तो गाइज वेलकम है आप सभी का सुहानी के एक न्यू व्लॉग में। अभी चल रहा है पुष्कर मेला, तो दोस्तों पुष्कर मेले में आए हैं हमारे पंजाब से भाई लोग, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया घोड़े वगैरह लेके आए हैं जो चैंपियन रह चुके हैं। तो हम लोग चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं अंदर चल के। देखिए कैनेडा वाले सर वगैरह जितने भी है सबको दिखाएंगे और आपको मिलवाएंगे और बताएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाले सारे लोग आए हुए हैं, पंजाब से आए हुए हैं हमारे भाई लोग। तो हम अंदर चलेंगे और इनसे बात करेंगे और दिखाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि पंजाब से जो सर मतलब अपने बच्चों को घोड़ों को इनको लेके आए हुए हैं, तो ये वैनिटी वैन में लेके आए हुए हैं और ये यहाँ से आप देख सकते हैं और आगे भी दिखाएंगे। बहुत सारी वैनिटी वैन में बच्चे आए हुए हैं और अभी भी यहाँ पे काम चालू है और आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे बच्चों से भी मिलवाने वाले हैं और उनके ओनर से भी बात करके बताएंगे कि कहाँ कहाँ से ये लोग लेके आए हैं और चैंपियन कहाँ कहाँ से जीते हैं। तो देखते हैं आप मिलते हैं और उनसे बात करके बताते हैं आप लोगों को। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो हम आए पुष्कर मेले में और यहाँ पर पंजाब से घोड़ा है। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते सर, आपका नाम? मेरा नाम तलविंदर सिंह जी। सर बच्चे का नाम? बच्चे का नाम सेज है, इसका बच्ची है जी। बच्ची है सर। ये कितनी बार चैंपियन रह चुके? ये 19 बार रह चुकी है चैंपियन जी। हाँ जी। पुष्कर मेले में कितनी बार रह चुके? पुष्कर मेले में से इस बार लेकर आए हैं, पिछली बार गुजरात लेकर गए थे जी और मोगा जी। इसकी हाइट क्या होने वाली है सर? इसकी हाइट है 64। हाँ जी। ये देखे दोस्तों, इसको आप सेल परचेस के लिए लाए यानी कंपटीशन के लिए लाए? देखते हैं अभी शो के यहाँ दिखाएंगे ले आकर जी सर, बाकी देखेंगे टाइम से टाइम के रिगार्डिंग जी सर। हाँ, ये कौन सी ब्रीड होने वाली है सर? तो ये काला कांटा की जी सर। हाँ, ये अभी मुझे तो लगता है पुष्कर मेले में पहली ब्रीड है ये शायद, है ना? हाँ, पहले भी लेकर आ चुके हैं मेले में जी जी। नहीं, इस बार की पहली है? पहली बार जी। ये तो अभी जो सर का मेन एक और हॉर्स है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं आगे चलकर। आप देखिए यहाँ पर जो ये इनके सर के चैंपियन जो हॉर्स रहे हुए हमारे जी, हरिंदर सर जी हमारे जी, बड़े भाई है। यहाँ पर लाखों की तादाद में पब्लिक आती है और इनके देखने को लोग तरसते हैं, इतने प्यारे हॉर्स है। यहाँ के जो वो सबसे ये चैंपियन है जी। ये कितनी बार रही है सर? ये भी 13 बार रह चुकी है। ये ग्रेस, ये वाली ग्रेस। ये ब्रीड कौन सी सर? ये अनोन है। ये देखिए दोस्तों, काफी प्यारे प्यारे लंबे चौड़े है सर के पास ये घोड़े। और टोटल कितने बच्चे लेकर हाँ जी, टोटल कितने बच्चे लेकर आए हो? हम लेकर आए 12 बच्चे, बच्चियाँ सारी घोड़े। ये देखिए इसकी हाइट है 67। ये देखिए दोस्तों, काफी प्यारा प्यारा व्हाइट और ये ब्लैक भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये चीज आप लोगों को पूरे पुष्कर मेले में नहीं देखने को मिलेगी। और सर जो लेके आए सारी बेटियाँ लेके आए और घोड़िया है ना, इनकी जो केयर करते हैं, एक के घोड़े पे दो दो बंदा लगता है और इनकी सारे के खान पीन से लेकर इनकी साफ सफाई तक आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एक कचरा नहीं दिखेगा। ये गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ घोड़ों की प्रॉब्लम जी। ये है काची का, काची का बेटा है, शिवराज का पोता है जी। हाँ, वो भी चैंपियन रह चुके हैं ना जी। हाँ, काची घोड़ा। ये देखिए दोस्तों, और दोस्तों आप पुष्कर आते हो ना, जो सर का ये लगा हुआ है सबसे लास्ट में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आओगे तभी आप लोगों को सारे अच्छे बच्चे देखने को मिलेंगे। गाइस देख सकते हो यहाँ पे इनके खाने वाने के लिए भी जो भी चीजें लगती है सर ने लगा रखी है। और ये देखिए यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे लेके आए हैं, सेल परचेज के लिए भी लेके आए हैं। डिमांड में रहता है ना, आप लोग अच्छा रहता है। अभी हमने उधर भी देखे थे तो लोग जो सेल के लिए आए थे परचेसिंग के लिए, अब लोग के लिए आते हैं ना। हाँ, अभी हमसे पूछा भी है किसी, अब लोग लेकर आए हैं। अभी हमसे मिले थे एक भाई, तो वो पूछ रहे थे कि अब लोग कहाँ पे मिलेगा, छोटा बच्चा मिलेगा क्या? तो हमने कहा अभी हम भी परचेसिंग कर रहे हैं। हमारे सर ने दी है, काफी अच्छा व्यवहार है सर का भी, और सर ने हमको यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए परमिशन दी है। देखो सब घोड़ों की ब्लॉग ये ट्रेलर है। गाइस आप देख सकते हो सर है, जितनी ये वैनिटी वैन खड़ी है इन्हीं में सब बच्चों को लेके भी आए हुए हैं। हर एक बच्चे के लिए अलग अलग वैनिटी वैन बना रखी है सर लोगों ने, और सर लोगों का व्यवहार भी बहुत प्यारा है और यहाँ पे अच्छे अच्छे बच्चे आए हुए हैं। तो अगर आप लोगों को भी परचेज वगैरह करने हैं, इन्हों के सारे जितने भी हॉर्स हैं सारे ही मतलब है ना चैंपियन रह चुके हैं उनके बच्चे हैं, और यहाँ पे बच्चियाँ ज़्यादा आई हुई है सर के यहाँ पर।
लेकिन पानी की भी व्यवस्था कर रही है। और एक यूनिटी में एक एम्बुलेंस में 3 बच्चे आते हैं और सर की जो केयर है ना, और जो बंदा भी बढ़ता है ना वो भी देखो आराम से पड़ता है, जो आगे बैठता है टिकट देखकर पता लग जाता है। बाहर को भी भेजते हैं, कनाडा अमेरिका जाते हैं जी। अच्छा जी, दोस्तों सर बोल रहे हैं कनाडा वगैरह भी हमारे बच्चे वगैरह जाते हैं तो बहुत आसानी से जाते हैं, और जो इनको बैठा के मतलब लेके जाते हैं उनके लिए भी बहुत सारी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। ये भी एक आप लोगों ने हमको ये दिखाई वाला, ये 3 घोड़े है जी। ये भी दोस्तों जो पहले वाली वैनिटी दिखाई थी ना हमने, वो एक उसमें 3 और इसमें 2 आ सकते हैं। अच्छी तरह बैठ सकता है, केयरटेकर हमेशा हॉर्स के साथ रहता है। हां, अरे एक पीछे रह सकता है, बिल्कुल अच्छी तरह रह सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं हो सकती जी। और ट्रेलर बहुत कामयाब है, इसमें 2 हॉर्स आ जाते हैं। हां, 2 हॉर्स आ जाते हैं। कनाडा अमेरिका को भी ट्रेलर जाते हैं, मन कर हमारे इसे पोर्ट करते हो जी जी। हां, इसमें 2 आ जाते हैं, उसमें 3 आ जाते हैं जी जी जी। साइड है जो इसकी बना रखी है ना, इसकी काफी अच्छी है, घोड़े के साइडों में तो लगना चाहिए। इसकी 70 होंगी, 70 प्लस होगी, 70 होगी ना, 70 तक होगी दोस्तों। ये तो 2 हॉर्स आ सकते हैं इनमें, 2 वाला एक आएगा। और मतलब सर ने जैसे वैनिटी बना रखी है वैसे एक में 3 आते हैं, एक में 2 आते हैं, एक में सिंगल आते हैं, है ना सर। ये देखिए दोस्तों, ये जो वैनिटी बना रखी है इसमें सारी व्यवस्था कर रखी है ताकि बच्चे को थोड़ी भी परेशानी ना हो। सभी चीजें आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगी। और सर जो इनके ओनर है उनको हॉर्स से बहुत ज्यादा प्यार है दोस्तों। गाइज आप देख सकते हो कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। हमारे को कनाडा वाले सर ने बहुत अच्छे से बताया है, मतलब पंजाब से जो सर आए हुए हैं हमारे, तो इन्होंने सब चीज़ें अच्छे से भी बताई है और बहुत आदर सम्मान किया है।